ओम शांति। 30/7/2020 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडाबन सभी धर्म वालों को शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम हो सच्चे पंडे। प्रश्न, बाप की याद से किन बच्चों को पूरा बल प्राप्त होता है? उत्तर, जो याद के साथ साथ बाप से पूरा पूरा ऑनेस्ट रहते हैं, कुछ भी छुपाते नहीं हैं, सच्चे बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कोई पाप नहीं करते, उन्हें ही याद से बल प्राप्त होता है। कई बच्चे भूलें करते रहते हैं, फिर कहते क्षमा करो, बाबा कहते क्षमा होती नहीं, हर एक कर्म का हिसाब किताब है। गीत, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, ओम शांति। बच्चों ने यह गीत सुना बच्चों के नॉलेज की पॉइंट्स देखने के लिए कि कैसे अर्थ करते हैं, तो ऐसे ऐसे गीत निकाल फिर एक के अर्थ कराना चाहिए, क्योंकि इन गीतों को भी करेक्ट किया जाता है ना। बाबा ने समझाया है कई ऐसे अच्छे गीत हैं जो कभी कोई फिकरात में बैठा हो तो यह गीत खुशी में लाने में बहुत मदद करेंगे। यह बहुत काम की चीज़ है, गीत सुनने से झट स्मृति आ जाएगी। तुम बच्चे जानते हो बरोबर हम इस धरती के लकी स्टार्स हैं, हमारे यह तीर्थ भक्ति मार्ग वालों से बिल्कुल न्यारे हैं। तुम हो पांडव सेना, उन तीर्थों पर होती है पंडों की सेना। हर एक ग्रुप का अलग अलग पंडा होता है जो ले जाते हैं, उनके पास चौपड़े होते हैं, पूछते हैं किस कुल के हो, हर एक अपने कुल वालों को ही ले लेंगे। कितने पंडे मिलकर ले जाते हैं, तुम भी रूहानी पंडे हो, तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। पांडवों की राजधानी नहीं है, पांडव पंडे को कहा जाता है। बाप भी बेहद का पंडा है, गाइड को पंडा कहेंगे। पंडे ले जाते हैं तीर्थों पर, पुजारी लोग जानते हैं यह पंडे यात्रियों को ले आए हैं। ज्ञान मार्ग में भी तुम पंडे बनते हो, इसमें कहाँ ले जाने की बात नहीं, घर बैठे बैठे भी तुम किसको रास्ता बताते हो, फिर जिसको बताते हो वह भी पंडा बन जाता है। एक दो को रास्ता बताना है, मन मना भव। तुम्हारे में भी बहुत होंगे जिन्होंने तीर्थ किए होंगे, बुद्धि में आता होगा बद्रीनाथ अमरनाथ कैसे जाना होता है। पंडे लोग भी जानते हैं तुम हो रूहानी पंडे, यह तुम भूलो मत कि हम पुरुषोत्तम संगम योगी हैं। तुम बच्चों को एक ही बात बुद्धि में है कि हम मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे हैं, ऐसे नहीं स्वर्ग के कोई अलग पंडे हैं, मुक्ति के अलग। तुमको यह निश्चय है हम मुक्ति धाम में जाकर फिर नई दुनिया में आएंगे। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पंडे हो, पंडे भी अनेक प्रकार के होते हैं। तुम फर्स्ट क्लास पंडे हो, सबको पवित्रता का ही रास्ता बताते हो, सबको पवित्र रहना है, दृष्टि बदल जाती है। तुमने प्रतिज्ञा की है कि हम सिवाय एक के और कोई को याद नहीं करेंगे। बाबा हम आपको ही याद करेंगे, आपका बनने से हमारा बेड़ा पार होता है, भविष्य में तो सुख ही सुख है। बाप हमको सुख के संबंध में ले जाते हैं, यहाँ तो दुख ही दुख है, सुख भी कागविष्टा के समान है। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए, तुम जानते हो मुक्ति धाम जाकर फिर यहाँ आएंगे, घर में तो जरूर जाएंगे, यह यात्रा है याद बल की। शांति धाम को भी याद करना होता है, बाप को भी याद करना होता है, बाप के साथ ऑनेस्ट भी होना चाहिए। बाप कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं तुम्हारे अंदर को जानता हूँ, नहीं, तुम जो एक्ट करते हो उस पर बाबा समझाते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं। बाकी तुम कोई अवज्ञा अथवा पाप करते हो तो यहाँ पूछा जाता है कोई पाप तो नहीं किया। बाबा ने समझाया है आंखें बड़ा धोखा देती हैं, यह भी बताना चाहिए कि बाबा आज आंखों ने हमको बहुत धोखा दिया, यहाँ तो डर रहता है, घर में जाता हूँ तो मेरी बुद्धि चलायमान होती है, बाबा यह हमारी बड़ी भारी भूल है, क्षमा करो। बाबा कहते क्षमा की इसमें बात नहीं, यह तो दुनिया में मनुष्य करते हैं, कोई ने चमाट मारी, अच्छा माफ़ी मांगी, काम खलास, ऐसे माफ़ी मांगने में देरी थोड़े लगती है, बुरे कर्म करते रहो और कह दो आई एम सॉरी, ऐसे थोड़े ही चल सकता है, यह तो सब जमा हो जाता है, कोई भी उल्टा सुलटा कर्म करते हो जमा होता है, जिसका अच्छा बुरा फल दूसरे जन्म में मिलता जरूर है। क्षमा की बात नहीं, जो जैसा करते ऐसा पाते हैं,
बाबा बार बार समझाते हैं, एक तो कहते हैं काम महाशत्रु है, यह तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। बाबा को कहते ही हैं पतित पावन, पतित विकार में जाने वाले को ही कहा जाता है। यहाँ बाप समझाते हैं यहाँ से फिर बाहर में जाते हो तब इतनी परहेज में नहीं रह सकते, तो फिर ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। बाबा समाचार तो सुनते हैं ना, यहाँ तो बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, फिर बाहर में जाने से धारणा नहीं रहती। सत्युग में तो विकार की बातें होती नहीं। अभी तो भारत का यह हाल है, वहां तो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, अथाह सुख है। बाबा बच्चों से भी सब इंक्वायरी करते हैं, बाबा को समाचार तो देना है ना। कोई तो झूठ भी बोलते हैं, विचार करना चाहिए हम कितना झूठ बोलते हैं। इनसे तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए, बाप तो ट्रुथ बनाने वाला है, वहां झूठ होता नहीं, नाम निशान नहीं होता। यहाँ फिर सच का नाम निशान नहीं, फर्क तो रहता है। बाप कहते हैं यह कांटों का जंगल है, परंतु अपने को कांटा समझते थोड़े ही हैं। बाप कहते हैं काम कटारी चलाना यह सबसे बड़ा कांटा है, इससे ही तुम दुखी हुए हो। बाबा अब तुम्हें सुख घनेरे देने आए हैं, तुम जानते हो बरोबर सुख घनेरे थे। सत्युग को कहा ही जाता है सुख धाम, वहाँ बीमारियां आदि होती नहीं, हॉस्पिटल जेल आदि होते नहीं, सत्युग में दुख का नाम नहीं। त्रेता में दो कला कम हो जाती है तो थोड़ा कुछ होता है, फिर भी हेवन कहा जाता है ना। बाप कहते हैं तुम बच्चों को अथा अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए, पढ़ाने वाले को भी याद करना है, भगवान हमारा टीचर है, टीचर को तो सब याद करते हैं। यहाँ रहने वाले बच्चों के लिए तो बहुत सहज है, यहाँ कोई बंधन तो है नहीं, बिल्कुल ही बंधन मुक्त हैं। शुरू में भट्टी बनी तो बंधन मुक्त हो गए, होना फिरना सिर्फ सर्विस का ही है, सर्विस कैसे बढ़ाएं। बाबा बहुत समझाते रहते हैं, बाबा के पास आते हैं मास डेढ़ मास बहुत उमंग रहता है, फिर देखो ठंडे पड़ जाते हैं, आते ही नहीं सेंटर्स पर। अच्छा फिर क्या करना चाहिए, लिखकर पूछ सकते हो क्यों नहीं आते हो। हम समझते हैं शायद माया ने तुम पर वार किया है, या किस किस संग में फंसे हो, या कोई विकर्म किया है गिर पड़े हो, फिर भी उठाना तो चाहिए ना, पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल लेनी होती है। तुम चिट्ठी लिख सकते हो, बहुतों को लज्जा आती है तो फिर फां हो जाते हैं, यहां से भी होकर जाते हैं, फिर समाचार आता है कि घर में बैठ गया, कहते हैं मेरी दिल हट गई है। कोई चिट्ठी में भी लिखते हैं आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, परंतु हम पवित्र नहीं रह सकते हैं इसलिए छोड़ दिया, मेरे में इतनी ताकत नहीं है, सिर्फ लिख देते हैं। विकार देखो कैसे गिरा देते हैं, यहाँ हाथ भी उठाते हैं कि हम सूर्यवंशी नर से नारायण बनेंगे, यह नॉलेज ही है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। बाबा कहते हैं गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, यह बाबा की बैग गोथरी है ना। यह अच्छी तरह से पूछते हैं, इनके पास समाचार भी आते हैं। वह शिव बाबा तो कहते हैं मैं पढ़ाने आता हूँ, जो पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब। बाप कहते हैं दृष्टि को बहुत बदलना है, कदम कदम पर खबरदारी चाहिए, याद से ही कदम कदम में पदम है, बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं, सर्विसेबल पंडे भी फेल हो जाते हैं। तुम जब तक यात्रा पर हो पवित्र रहते हो, कोई तो यात्रा पर भी ऐसे शौकीन जाते हैं जो शराब आदि भी अपने साथ वहां ले जाते हैं, छिपा कर रख देते हैं, बड़े बड़े आदमी इसके बगैर रह नहीं सकते। अभी वह तीर्थ क्या काम के रहेंगे, लड़ाई वाले भी बहुत शराब पीते हैं, शराब पी जाकर एरोप्लेन सहित स्टीमर के ऊपर गिराते हैं, स्टीमर भी खत्म तो खुद भी खत्म। अभी तुमको मिलता है ज्ञान अमृत, बाकी याद की है मुख्य बात, जिससे ही तुम 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। बाबा ने कहा था यह भी लिख दो, 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी वेल्दी कैसे बन सकते हो आकर समझो। भारतवासी जानते हैं बरोबर भारत में बड़ी आयु थी, स्वर्ग में कभी कोई बीमार नहीं होते, स्वर्ग में देवी देवताओं की आयु 150 वर्ष की थी, 16 कला संपूर्ण थे। कहते हैं यह कैसे हो सकता, बोलो वहां 5 विकार होते ही नहीं, वहां भी अगर यह विकार होते तो फिर राम राज्य कैसे होता। देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं
वह भी चित्र तुमने देखे हैं, बड़े गंदे चित्र होते हैं। यह बाबा कहते हैं हमने जो देखा है वह बतलाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं तो सिर्फ नॉलेज देता हूँ, शिव बाबा ज्ञान की बातें सुनाते, यह अपने अनुभव की बातें सुनाते रहते। दो है ना, यह भी अपना अनुभव बताते रहते हैं। हर एक को अपनी लाइफ का पता है। तुम जानते हो आधा कल्प से पाप करते आए हैं, वहां फिर कोई पाप नहीं करेंगे, यहाँ पावन कोई है नहीं। तुम बच्चे जानते हो अभी रियल भागवत चल रही है, भगवान बैठ बच्चों को नॉलेज सुनाते हैं। वास्तव में होनी चाहिए एक ही गीता, बाकी शिव बाबा की बायोग्राफी क्या लिखेंगे, यह भी तुम जानते हो। कोई भी किताब आदि कुछ भी रहेगा नहीं, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। फिर यह पुरुषार्थ की नॉलेज भी खत्म हो जाएगी, फिर प्रारब्ध शुरू हो जाती है। जैसे ड्रामा में जो पार्ट हुआ, रील फिरता जाता, फिर नए सिर प्रारब्ध शुरू होगी। इतनी सब आत्माओं में अपना अपना ड्रामा का पार्ट नूंधा हुआ है। यह बातें समझने वाले समझे, यह है बेहद का नाटक। तुम कहेंगे हम तुमको बेहद के नाटक के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। वह है निराकारी दुनिया, यह है साकारी दुनिया। हम तुमको सारा राज समझाते हैं। यह चक्र कैसे फिरता है जिसको तुम समझाएंगे उनको बड़ा मजा आएगा। ऐसे मत समझो कोई सुनता नहीं है। प्रजा बहुत बननी है, हार्ट फेल नहीं होना है सर्विस में। तुम समझाते रहो, व्यापारियों के पास ग्राहक तो बहुत आते हैं। आओ हम तुमको बेहद का सौदा देवे। भारत में इन देवताओं का राज्य था, फिर कहाँ गया? कैसे 84 जन्म लिए हम तुमको समझाएं? भगवानुवाच, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सर्विस बहुत कर सकते हो, जब फुर्सत मिलती है बोलो हम तुमको विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। आओ तो तुमको रचता और रचना का राज समझाएं। अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, भविष्य के लिए अभी कमाई करो। बाबा समझाते हैं ना, बच्चे तुम ऐसे ऐसे सर्विस करो, तुम्हारे ग्राहक यह बातें सुनकर बहुत खुश होंगे, तुमको भी माथा टेकेंगे, शुक्रिया मानेंगे। व्यापारी लोग तो और भी जास्ती सर्विस कर सकते हैं, व्यापारी लोग धर्माऊ भी निकालते हैं। तुम तो बड़े धर्मात्मा बनते हो, बाप आकर तुम्हारी झोली भर देते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों से, अनेक प्रकार की राय बाबा देते हैं। ऐसे ऐसे करो, पैगाम देते रहो, थको मत, बहुतों का कल्याण करने में लग जाओ, ठंडे मत बनो, अपनी दृष्टि को भी ठीक रखो, क्रोध भी नहीं करना है, युक्ति से चलना है। बाप अनेक प्रकार की युक्तियां समझाते रहते हैं, दुकानदारों के लिए तो बहुत सहज है, वह भी सौदा यह भी सौदा। कहेंगे यह तो बहुत अच्छा सौदा है, झट ग्राहक जम जाएंगे। कहेंगे ऐसे सौदा देने वाले महापुरुष को तो बहुत मदद करनी चाहिए। बोलो यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुम फिर मनुष्य से देवता बन सकते हो, जो जितना करेंगे उतना पाएंगे। अपनी जांच करो, हमारी दृष्टि ने बुरा काम तो नहीं किया, स्त्री तरफ रग तो नहीं गई, लज्जा आएगी तो छोड़ देंगे। विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या? जितना पुराना भक्त होगा वह बहुत खुश होगा, थोड़ी भक्ति की होगी वह कम खुश होगा। यह भी हिसाब है समझने का। बुद्धि कहती है अब हम जाएंगे घर, फिर नई दुनिया में नया कपड़ा पहनकर पाठ बजाएंगे, यह शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन दी माउथ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, दृष्टि से कोई भी बुरा काम नहीं करना है, अपनी दृष्टि को ही पहले बदलना है। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करनी है। दूसरा, जब भी फुर्सत मिलती है तो बेहद का सौदा करना है, सर्विस में दिल शिकस्त नहीं होना है, सबको बाप का पैगाम देना है, थकना नहीं है। वरदान,
स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। वे संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे हैं, मेहनत के पांव से नहीं लेकिन स्नेह की गोदी में चल रहे हैं। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। स्लोगन, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। ओम शांति। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़।